हेलो फ्रेंड, आज के लिए वीडियो लेके आए हैं। अपन को आप रेडी है? कैसे सैमसंग अकाउंट मैं बना तो सकते हैं, इस दो वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। जो पहली बार न्यू को स्मार्ट को आए, सब्सक्राइब करना, घंटी को दबा देना। मैं अभी वीडियो को शुरू करते हैं। कहाँ चले गए? वीडियो को अभी शुरू करते हैं। जैसे आपका स्मार्टफोन होगा, जो भी होगा आपका, स्कैन हाँ, गूगल करोगे में एक आपको स्कैन के लिए देता है। यहाँ पे उसको स्कैन करना है पहले। जैसे यहाँ पे लिखा है, लिख सकते हैं क्रोम में, तो जैसे आपका स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा स्कैनर है, टर्न कर दोबारा से दीजिए वहीं पे मारना है, सर्च में मारना है। यहाँ पे एक नौ ये आएगा, लिंक आएगा, उसको टच करना है। जैसे टच करेंगे, आपका पास ऐसे ही ऑप्शन टच आएगा करिए लॉगिन करने के लिए। यहाँ से आपको वहीं पे वाला टच वीडियो देख करना लीजिए है, वाला और सेटिंग कर नीचे में एक दीजिए ऑप्शन मिलेगा, वो गूगल के ऐड लिखाना करना है, गूगल में चाहिए जाना है, उसका सब कुछ अलाउ लाइब्रेरी कर देना है, अलाउ अलाउ कर देना है। कुछ समय तो बाद आपको रुकना है, जैसे ही उसका कमीशन मांगता है, सब कुछ कमीशन राइट क्लिक करके सब कुछ दे देना है, उसको राइट करना है। अप्रूव्ड यहाँ से वो नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिक। कंटिन्यू ये देखिए, देख सकते हैं, ऑटोमेटिक आपको 7 डेज के लिए मांगेगा, और नीचे वाला ऑप्शन को ओके मांगना है। जैसे यहाँ पे नीचे में आ गया है, देख सकते हो, वो सैमसंग अकाउंट हो गया है, वो ये वाला जो टीवी में रजिस्टर भी हो गया है, रजिस्टर ये सैमसंग अकाउंट यहाँ पे वो बैकअप भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो, आज के लिए इतना ही वीडियो लेके आया था। जैसे सैमसंग अकाउंट भी आप यदि नहीं बना सकते, ऐसे भी बना सकते हैं, मुझको कॉल भी कर सकते हैं, आपको बता दूंगा ठीक है कैसे सर कर फिर सकते हैं। बताओ आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट में मिलते हैं, ऐसे ही आपके लिए वीडियो ये लेके किचन आऊंगा। में बाय ये बाय। ऑन करिए वो तो सब हाँ। ठीक।